एसिड होगा। सल्फ्यूरिक एसिड कैन बी एग्जिस्ट इन अ टू डिफरेंट टाइप ऑफ द स्टेट, वन इज अ कोल्ड स्टेट एंड सेकंड वन इज अ, यानी क्या होगा, वार्म स्टेट। व्हेन द अल्कीन्स आर ट्रीटेड विद अ कोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड, जब ये कोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या किए जाएंगे, ट्रीट किए जाएंगे। अब हम रिएक्शंस को देखते हैं। अब रिएक्शंस किस लिहाज से होगा, कैसे, अब देखिए H सिंगल बॉन्ड C इनटू H, डबल बॉन्ड विद द C इनटू क्या किया जाएगा, H इनटू H। अब इसका रिएक्ट कराया जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चरल फार्मूला देखें, आपने याद रखना है स्ट्रक्चरल फार्मूला, यानी H2SO4 का स्ट्रक्चरल फार्मूला। देखें ये H2 S और चारों साइड पे क्या, एक एक ऑक्सीजन अटैच है, तो H2SO4 दैट इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अगेन देखिए नेक्स्ट, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन दैट ऑफ हाइड्रोजन एंड सल्फर, अट्रैक्ट देयर इलेक्ट्रॉन वेल पार्शियल, यानी क्या होगा, पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज, सेम क्या हो जाएगा। अब कार्बन क्या करेगी, अकॉर्डिंग टू मार्कोनी को फ्रूल एडिशन रिएक्शन, इसमें देखिए दोनों साइड पे सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है, सिमिट्रिकल है। तो अब देखें दोनों में से कोई भी कार्बन, अब हम इस कार्बन को देख रहे हैं, ये वाला कार्बन पूरा पाई बॉन्ड क्या करेगा, अटैक करेगा। द कार्बन एटम कैन अटैक कंप्लीट पाई बॉन्ड टुवर्ड इटसेल्फ एंड गेट अटैक ऑन दैट, क्या हो जाएगा कि हाइड्रोजन एटम एंड द बॉन्ड इज ब्रोकन डाउन, अगेन क्या हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा हेट्रोलिटिकली। अब दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे, तो क्या होगा, दिस कार्बन एटम कैन अटैक द पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड टुवर्ड इटसेल्फ एंड गेट अटैक ऑन द हाइड्रोजन, तो क्या बनेगा, अगर देखा जाए तो क्या बन रहा है, CH3, पहले CH2 था, अब क्या बना CH3। उसके बाद अब मैं आपसे पूछता हूं चार्ज कौन सा आएगा इसके ऊपर, शाबा बताएंगे, जब इस वाली कार्बन ने इसके इलेक्ट्रॉन को भी खींच लिया तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अगेन इट मीन कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म है, और कार्बोकेटाइन पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो कौन सी चीज आके अटैक करेगी, नेगेटिव चार्ज, तो क्या बनेगा CH2 इनटू ये वाला O, उसके साथ क्या अटैच है, इस O को अलहदा कर लिया, अब क्या बना देखिए SO3 इनटू H, तो क्या बनेगा SO3H, यानी क्या कहलाएगा, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, यानी क्या कहलाएगा, दैट इज द इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट इज द नेम ऑफ दैट कंपाउंड, ये कंपाउंड का नेम क्या बनेगा, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। रिएक्शन किसकी वजह से हुआ, ये रिएक्शन भी ध्यान में रखिएगा, एक की पॉइंट्स आर नोट बना के लिख लीजिएगा, इस रिएक्शन के बाद मैं लिख देता हूं। अब क्या होगा, व्हेन द CH3 CH2 O into SO3H इथाइल क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फेट, व्हेन रिएक्ट विद द बॉयल वाटर, बॉइलिंग वाटर के साथ क्या करेगा, बॉइलिंग वाटर है तो 100 डिग्री सेल्सियस लिखा, बॉइलिंग वाटर के साथ एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज दूसरी साइड पे नेगेटिव, अब क्या होगा, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दैट ऑफ सल्फर, अटैक देयर इलेक्ट्रॉन वेल पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव, ये आके हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अब जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा हाइड्रोक्सल आके इस पे अटैक करेगा तो क्या कंपाउंड बनेगा, देखें CH3 पहले था, CH2 पहले था, ये O था, इस O के साथ क्या आके अटैच हुआ H, यानी इथाइल अल्कोहल प्लस क्या बनेगा H पहले था एक एच, ये भी है, यानी क्या बना H2 इनटू SO3 पहले था एक O, ये भी है, तो क्या बनेगा SO4, तो इट मीन इथीन इज कन्वर्टेड इनटू इथाइल अल्कोहल, तो कन्वर्जन क्या आती है, कन्वर्ट इथीन इनटू इथाइल अल्कोहल, कि आपने इथीन को इथाइल अल्कोहल के अंदर क्या करना है, कन्वर्ट करना है, तो इथीन कैन बी कन्वर्टेड इनटू इथाइल अल्कोहल बाय द रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन से क्या बनता है, इथाइल अल्कोहल क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। अब थोड़े से की पॉइंट्स देखते हैं इस रिएक्शन के की पॉइंट क्या हैं, ये हम देखते हैं। पहला की पॉइंट इस रिएक्शन का क्या होगा, अगर इस रिएक्शन का पहला की पॉइंट देखा जाए, वो की पॉइंट क्या होगा कि एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन, अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन जिसके दोनों साइड पे हाइड्रोजन की तादाद बराबर ना हो, यहां तो बराबर थी ना, अगर बराबर ना हो, अनसिमेट्रिकल अल्कीन के अंदर अगर क्या ऐड करेंगे, अल्कीन के अंदर अगर ऐड करते हैं H2SO4, तो ध्यान में रखना किस रूल के मुताबिक ऐड होंगे, दैट इज एडेड अकॉर्डिंग टू द मार्कोनी कोव रूल के मुताबिक होगा।
अब मैं करके भी एक रिएक्शंस करके दिखाता हूं आप लोगों को, मार्कोनिकोव रूल एडिशन रिएक्शंस के लिहाज से ये क्या होगा, ऐड होगा, और कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन के डिपेंड करता है। दूसरा पॉइंट क्या है, इट डिपेंड अपॉन द कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, कि ये कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन पे क्या करता है, डिपेंड करता है। इट डिपेंड अपॉन टोटली द कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, के कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन पे क्या करता है, डिपेंड करता है। अब समझेंगे, मैं मैकेनिज्म पढ़ा रहा हूं, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट के लिहाज से मैकेनिज्म, आपको मैकेनिज्म भी आना चाहिए। देखिए मैकेनिज्म जिस बच्चे को आता है रिएक्शन उसके लिए इजी है। अब मैकेनिज्म सुनेंगे, आपके पास है CH3CH डबल बॉन्ड विद द CH2, रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या करेगा, ये रिएक्ट करेगा, रिएक्टेड विद द सल्फ्यूरिक एसिड। अब बेटा समझेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड का काम क्या है, प्रोटॉन डोनेट करना। ये प्रोटॉन उसने क्या किया, डोनेट किया। अब मार्कोनिकोव रूल एडिशन रिएक्शन है, याद करें हमने कहा था कि एडिंग रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट होगा वो किस साइड पे जाएगा, जहां पे कम से कम क्या मौजूद होंगी, हाइड्रोजन, और पॉजिटिव पार्ट रिचर बिकम रिच, द रिच बिकम रिचर वाला कंसेप्ट है। अब देखें इसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है, इसके पास कम है, तो ये वाली कार्बन इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगी, CH3 बनेगा, यानी रिचर बिकम रिच, इस तरह से कंसेप्ट बनेगा। तो क्या कंपाउंड बनेगा, CH3CH पॉजिटिव चार्ज इनटू क्या आ जाएगा, CH3। इधर समझेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड C, अब इसके इलेक्ट्रॉन को भी ये वाली कार्बन खींच के ले गई, तो इस पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब इनटू क्या बनेगा, CH2, पहले था एक HCl3। अब जो नेगेटिव चार्ज वाला ऑक्सीजन है, देखिए कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन है, अब कार्बोकेटाइन के बाद वो दूसरा पार्ट आके अटैच होगा, देखें CH3CH पॉजिटिव चार्ज इनटू CH3 व्हिच अटैच विद द O नेगेटिव इनटू SO3H, ये बनेगा कंपाउंड। अब क्या होगा, ये O आके इस पॉजिटिव चार्ज पे क्या करेगी, अटैक करेगी, तो क्या बना, CH3CH विद द O इनटू SO3H क्या हो जाएगा, इनटू CH3 ये कंपाउंड। यानी अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल के जिसके ऊपर हाइड्रोजन ज्यादा मौजूद है वो पॉजिटिव चार्ज पे अटैक कर रहा है, जिस पे हाइड्रोजन कम मौजूद होंगी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, यानी नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग रिएजेंट इज गेट अटैच ऑन दैट कार्बन एटम वेयर द लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। अब इन द लास्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, CH3CH इनटू O इनटू SO3H इनटू CH3 रिएक्ट करेगा बॉइलिंग वाटर के साथ, तो क्या बनेगा कंपोनेंट, देखें CH3CH इनटू CH3, अब ये OSH3 में से OH, ये ऑक्सीजन जाके किस पे अटैक करेगी, इस हाइड्रोजन पे, तो क्या बनेगा OH प्लस, दोबारा क्या बन जाएगा H2SO4। तो देखें क्या होगा कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग रिएजेंट, यहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है, ये यानी कम है, नेगेटिव पार्ट कम वाली की जगह पे क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, और पॉजिटिव पार्ट क्या करेगा, यानी एडिंग रिएजेंट का, वो ज्यादा हाइड्रोजन वाली जगह पे, तो दैट्स व्हाई इट इज, यानी क्या होगा कि अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकोव रूल एडिशन रिएक्शन, ये मार्कोनिकोव रूल एडिशन रिएक्शन होगा। Then the next is a addition of halogen. Halogen ki addition. How the halogen is get added. Ab yahan pe 80% log galat concept mein wo karte hain. Halogen do tarah ki additions hoti hai. Sunenge. एडिशन ऑफ हैलोजन, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसके साथ लिख रहा हूं, एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड, सुनेंगे, है ये एक ही चीज, एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड, हाइपोहैलस एसिड, या यूं लिखा होगा, देखें एडिशन ऑफ हाइपोहैलस एसिड, एडिशन ऑफ हाइपोहैलस एसिड, हाइपोहैलस एसिड। अब बेटा मेन चीज क्या है इनमें समझने की, हम लोग क्या करते हैं इसको एक साथ समझते हैं, मैं आपको एक साथ ही पढ़ा रहा हूं, देखें इनको कैसे, अब देखें हैलोजन है हमारे पास, हैलोजन जब रिएक्ट करती है तो सॉल्वेंट डिफरेंट होता है, सुनेंगे, कुछ एक हैलोजन है जो इनर्ट सॉल्वेंट में रिएक्ट करती हैं, सॉल्वेंट जो रिएक्ट करेंगे इनर्ट सॉल्वेंट के साथ, और कुछ एक क्या हो जाती हैं जो क्या होती हैं सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट करेंगे, या फिर क्या होगा सॉल्वेंट क्या होगा वाटर मॉलिक्यूल होगा या पोलर सॉल्वेंट होगा, यानी एक रिएक्टिव सॉल्वेंट होता है, एक क्या होता है इररिएक्टिव सॉल्वेंट होता है, और अनरिएक्टिव या इनर्ट सॉल्वेंट, और दूसरा क्या होगा रिएक्टिव सॉल्वेंट। इधर समझेंगे मेन पॉइंट देखिएगा, अगर
इनर्ट सॉल्वेंट इस्तेमाल किया जाएगा, हैलोजन के साथ इनर्ट सॉल्वेंट इस्तेमाल किया जाएगा, द रिएक्शन इज सेड टू बी क्या कहेंगे, यानी एडिशन ऑफ हैलोजन और हैलोजिनेशन रिएक्शन, द रिएक्शन इज सेड टू बी हैलोजिनेशन रिएक्शन, के इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, हैलोजिनेशन रिएक्शन। अगर हैलोजन अटैच कर रही है किस चीज के साथ, अल्कीन के साथ इनर्ट सॉल्वेंट की मौजूदगी में, उसे हैलोजिनेशन कह रहे हैं। अगर हैलोजन रिएक्ट कर रही है किसी रिएक्टिव सॉल्वेंट की मौजूदगी में, एंड द रिएक्टिव सॉल्वेंट इज अ वाटर, तो पहले हैलोजन वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइपोहैलस एसिड बनाएगा, देन वो अल्कीन के साथ रिएक्ट करेगी। तो अगर रिएक्शन देखा जाए दो तरह से, हैलोजन क्या करती है, दो तरह के सॉल्वेंट है, एक क्या होगा रिएक्टिव सॉल्वेंट है, एक क्या होगा इनर्ट सॉल्वेंट है। अगर हैलोजन क्या करती है, अगर हम देखें कि हैलोजन अगर वो क्या करती है, इनर्ट सॉल्वेंट यानी जो रिएक्ट नहीं करता, हैलोजन किसके साथ, यानी हैलोजन सॉल्वेंट के साथ जिसमें रिएक्ट ना करे, उसमें तब क्या होगा, रिएक्ट करेगा तो हैलोजिनेशन होगी। अगर हैलोजन पहले सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट करे तो उससे क्या बनता है, हाइपोहैलस एसिड। ये हाइपोहैलस एसिड बाद में जाके किसके साथ रिएक्ट करेगा, अल्कीन में जाके रिएक्ट करेगा। इसमें हैलोजन सॉल्वेंट के साथ नहीं रिएक्ट करती, डायरेक्ट अल्कीन के साथ रिएक्ट करती है। इसमें हैलोजन पहले रिएक्टिव सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट करके हाइपोहैलस एसिड बनाएगा, देन वो क्या करेगा, उसके साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। अब सुनेंगे, पहले हम इसके लिहाज से पढ़ रहे हैं, एक रूल यहां पे लिखवाऊंगा, नहीं है मौजूद, आप लोग लिखेंगे इंपॉर्टेंट क्या होगा, रूल होगा वो कौन सा है, देखते हैं। एच सी इंटू एच डबल बॉन्ड सी इंटू एच एच ब्रोमीन का रिएक्शन है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड की मौजूदगी में ये रिएक्शन हो रहा है। ये मैं मैकेनिज्म पढ़ा रहा हूं, रिएक्शंस खुद आप लोग देखेंगे, मैकेनिज्म मैं पढ़ा देता हूं। अब बेटा समझेंगे, 80% लोग यहां पे फेल हो जाते हैं, समझेंगे। हमने पढ़ा था दीज आर द लेस लीस्ट पोलर, या फिर अल्कीन्स आर द नॉन पोलर इन नेचर। ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, अब इनका रिएक्शन कैसे पॉसिबल है। चलें, इसमें तो कहते हैं पाए बॉन्ड मौजूद है, पाए बॉन्ड मौजूद है, एक कार्बन जब इलेक्ट्रॉन खींचेगी तो दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, मौजूद है। हम कहते हैं अगर इस पे आता है तो ये तो नॉन पोलर है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस देखें, अगर इसका देखें तो 2.7 है, इसका भी 2.7 इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस देखें तो 0 है, ये तो नॉन पोलर है, बट फिर भी चार्ज इसके ऊपर बुक के अंदर लिखे हुए हैं। देखें बुक के ऊपर एक साइड पे नेगेटिव चार्ज दिया होगा, एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव, किसके मुताबिक। देखिए ये वीकली पोलर आ जाता है बिकॉज ऑफ द पाई बॉन्ड की वजह से, बट दिस इज द नॉन पोलर, देन हाउ रिएक्शन इज पॉसिबल। रिएक्शन पॉसिबल ही कैसे है जबकि ब्रोमीन हमारे पास क्या है, नॉन पोलर है। इफ ब्रोमीन इज अ नॉन पोलर देन हाउ द रिएक्शन इज पॉसिबल, रिएक्शन हो किस वजह से रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, रीजन क्या है। द रीजन इज, यानी रीजन अगर देखी जाए तो रीजन इज अ फैजान रूल। फैजान रूल दो तरह का होता है, पोलर के लिए अलहदा, नॉन पोलर के लिए अलहदा। तो यहां पे हम नॉन पोलर का पढ़ रहे हैं, सुनेंगे। फैजान रूल ऑफ नॉन पोलर डिपेंड अपॉन द पोलराइजेबिलिटी। फैजान रूल ऑफ नॉन पोलर थिंग आर डिपेंड अपॉन द पोलराइजेबिलिटी, आर क्या हो जाएगा, साइज ऑफ एटम के ऊपर। अब देखिए ब्रोमीन इज अ लार्जर साइज, अब देखिएगा चार्जेस कैसे बने इनके ऊपर, ये चार्जेस। तो देखिए लार्जर साइज का है, नॉन पोलर कंपोनेंट है, साइज ऑफ एटम ब्रोमीन का ज्यादा है। वन यानी व्हेन द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ वन ब्रोमीन कैन रिपेल द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ अनदर ब्रोमीन, जब एक ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड दूसरी ब्रोमीन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को रिपेल करेगा, एक साइड पे चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी, दूसरी साइड पे चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो इससे पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। दिस इज कॉल्ड एज फैजान रूल ऑफ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब क्या कहेंगे, अब पोलर नॉन पोलर थिंग के अंदर फैजान रूल पोलराइजेबिलिटी पे डिपेंड करता है। पोलराइजेबिलिटी क्या है, व्हेन यानी वन ब्रोमीन द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ वन ब्रोमीन कैन रिपेल द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ अनदर ब्रोमीन, जब एक ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड दूसरी ब्रोमीन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को क्या करेगा, रिपेल करेगा। हमने क्या कहा,
when the electronic cloud of one bromine can repel the electronic cloud of another bromine. जब एक ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड दूसरी ब्रोमीन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को क्या करता है, रिपेल करता है. इनके रिपल्शन से एक साइड पे चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज, दूसरी साइड पे चार्ज डेंसिटी कम होगी तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. अब सुनेंगे, ये वाली कार्बन या दोनों कार्बन में से कोई भी, ये वाली कार्बन क्या करेगी, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड अट्रैक्ट करके इस पे अटैक करेगी. ये बॉन्ड क्या होगा, हेट्रोलिटिकली ब्रेक. अब दोनों इलेक्ट्रॉन उस ब्रोमीन के पास चले गए. अब कंपाउंड क्या बनेगा सुनेंगे, CH2Br. इस ब्रोमीन ने इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अटैक करके अटैक किया तो CH2Br into पहले डबल बॉन्ड था, अब क्या बचा, सिंगल बॉन्ड विद द CH2. इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज. अगेन पॉजिटिव चार्ज है, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन है. अब नेक्स्ट बेटा देखिएगा, इन द नेक्स्ट स्टेप दिस CH2Br into CH2 पॉजिटिव रिएक्ट विद द अनदर ब्रोमीन. एक या तो इस मैकेनिज्म से करें या फिर बुक के अंदर दोनों के साथ अटैच किया हुआ है, आप दोनों लिहाज से कर सकते हो. ये कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म है. दूसरा मैकेनिज्म भी बता देता हूं, चलें पहले हम उसको देख लेते हैं. अब इसी से आगे दो मैकेनिज्म है सुनेंगे. या फिर क्या होगा कि ये CH2 पहले चेंज होगा किस चीज के अंदर, ये ब्रोमीन आके दोनों के साथ इसके साथ भी रिएक्ट कर लेगा पॉजिटिव चार्ज की कमी को फिल करने के लिए, तो CH2Br पॉजिटिव बनेगा. या फिर चांस क्या है कि डायरेक्ट ये ब्रोमाइड नेगेटिव आके क्या होगा, अटैक होगा. अब सुने, अगर ये डायरेक्ट आके क्या होता है, अटैक होता है ब्रोमाइड, ये ब्रोमीन जाके इस पॉजिटिव चार्ज पे, तो क्या बनेगा, CH2Br into CH2Br1. या फिर क्या होगा, ब्रोमीन अगर इसके साथ रिएक्ट करता है, प्रोडक्ट फिर भी सेम है, बी आर नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव आके इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक, अब ब्रोमीन इसके पास चली जाएगी, सेम डाई इथाइल ब्रोमीन क्या होगी, प्रोड्यूस होगी. अब एक और पॉइंट, इथाइलिन डायब्रोमाइड जो बना इज यूज एज पेस्टिसाइड्स एंड सॉइल फ्यूमिगेंट. ये जो बन रहा है कंपाउंड इथाइलिन डायब्रोमाइड, इसे नेम कहा जाता है इथाइलिन डायब्रोमाइड, या फिर इसे कहा जाता है 1,2-dibromoethane. इसका काम क्या है, फंक्शन क्या है, सेकंड की पॉइंट अगर देखा जाए, इट इज यूज एज अ पेस्टिसाइड, कि ये पेस्टिसाइड्स के अंदर इस्तेमाल होता है, एंड सॉइल फ्यूमिगेंट. सॉइल फ्यूमिगेंट के अंदर क्या होता है, इस्तेमाल होता है, इट इज यूज एज पेस्टिसाइड और सॉइल फ्यूमिगेंट, के ये पेस्टिसाइड और सॉइल फ्यूमिगेंट्स के तौर पर क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है. तो विसिनल डाइहेलाइड इस तरीके से बने. अब इसको टेस्ट कहा जाता है.